सैटेलाइट एंड प्लानिटरी मोशन, नाम से ही पता लग रहा है कि सैटेलाइट के ऊपर काम होगा, सैटेलाइट कैसे मूव करती है और प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, कितने वेलोसिटी से और सैटेलाइट्स मूव करती हैं, ये सब इस टॉपिक में डिस्कस होगा। तो पहला टॉपिक है कि प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, सैटेलाइट कैसे लॉन्च करते हैं। इमेजिन करो आपके हाथ में एक पत्थर है, आपने पत्थर को ना हॉरिजॉन्टली फेंका, पत्थर कहाँ गिरा, सामने गिर गया, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप बिल्डिंग के टॉप पे चढ़ गए, पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंका, तेज फेंका, पत्थर पैराबोलिक दूर जाके गिरा। आप बहुत ऊपर चले गए, आप हेलीकॉप्टर करके ऊपर चले गए, आपने पत्थर को हॉरिजॉन्टल फेंका, पत्थर और दूर चला गया। आप रॉकेट पकड़ के चले गए, रॉकेट ऊपर गया, ऐसे हुआ और आप सोचो पत्थर लेके बैठे हैं, रॉकेट की बहुत तेज स्पीड है और आपने भी फेंक दिया, तो सोचो पत्थर कितनी स्पीड से जाएगा, गिरेगा तो नीचे ही, अर्थ के ऊपर गिरना है, अर्थ गोल है, ये देखो गिर रहा है, गिर रहा है, सरफेस कहाँ मिलनी है, मिलनी नहीं है, गोल 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 ट्रैक में पड़ गया, गोल गोल सैटेलाइट घूमनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल है, कोई कोई मशीन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उठा के बस ऊपर से हॉरिजॉन्टल फेंकना है, तो अपने आप ही वो उसमें ग्रेविटेशनल पुल जो है उससे ये अर्थ उसे ग्रेविटी की तरह खींचती जाएगी, और आपने टेंजेंशियल वेलोसिटी दे रखी है, हर वक्त वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है पर ग्रेविटेशनल पुल उसे खींचता जा रहा है, और क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रिपिटल, क्योंकि आपने उसको कैसे फेंका था, हॉरिजॉन्टल, पर साथ में परपेंडिकुलर फोर्स लगती जा रही है, सेंट्रिपिटल। क्लियर है यहां तक? तो सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में मूव करेगा। कई लोग सोचते हैं सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से दूर छोड़ के आया जाता है, अरे ग्रेविटेशनल पुल तो बहुत बड़ा है, इमेजिन कर लो मून कौन सा बचा हुआ है, मून भी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में है, वो भी भागने की कोशिश कर रहा है पर वो भाग नहीं पा रहा, जा तो ऐसे रहे पर अर्थ उसको कॉन्टिन्यूसली खींचती जा रही है, तभी तो मून को अर्थ की सैटेलाइट भी बोली जाती है, नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। तो सैटेलाइट की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, ऐसे लॉन्च किया जाता है। तो सबसे पहली चीज है ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमता है उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। सैटेलाइट को मान लो वी वेलोसिटी से मैंने फेंका, सैटेलाइट एच डिस्टेंस पे है सरफेस ऑफ अर्थ से और रेडियस क्या है इसका आर, तो सैटेलाइट के पास कौन सी फोर्स है घूमने के लिए सर्कल में, सेंट्रिपिटल। सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एच। कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रिपिटल, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू क्या है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल पुल इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स, सैटेलाइट का मास कैंसिल, तो यहां से वी की जो वैल्यू आएगी, इतनी वेलोसिटी से सैटेलाइट घूम रही है, इस वेलोसिटी को क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। फॉर्मूले सारे नोट करने आपने घर जाके, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब कभी कभी कैपिटल जीएम की जगह हम स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं, कैपिटल जीएम की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर, तो दिस इज अगेन अ फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। कभी कभी सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के काफी करीब होती है, तो ऐसे केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी में आर के मुकाबले एच बहुत छोटा होता है, एच कैन बी निगलेक्टेड, पर अगर निगलेक्ट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी निकलती है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी उन सैटेलाइट्स की जो सरफेस ऑफ अर्थ के काफी क्लोज हैं, ये फॉर्मूला, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये बनेगा, किन के लिए, जब सैटेलाइट्स काफी क्लोज है सरफेस ऑफ अर्थ के। कैपिटल जी एम की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट कर सकते हो, सैटेलाइट क्लोज है एच जीरो, तो ये भी फॉर्मूला बनेगा ऑर्बिटल का। तो ऑर्बिटल के दो फॉर्मूलाज हैं, चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, लेकिन ये फॉर्मूला तब यूज करो जब सैटेलाइट सरफेस ऑफ अर्थ के नजदीक है। आप अगर जी एम और आर की वैल्यूज को यहां पुट करो तो अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी उन सैटेलाइट्स की जो सरफेस ऑफ अर्थ के क्लोज हैं, उनकी वैल्यू है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड सैटेलाइट कवर कर गई 8 किलोमीटर की देर में, सोचो इतनी तेज चल रही है सैटेलाइट, मैं एक सेकेंड लगाता हूं और 8 किलोमीटर भागती जा रही है, ये स्पीड है उनकी जो कि काफी सरफेस ऑफ अर्थ के क्लोज है। क्लियर है यहां तक? तो लेकिन अगर क्लोज नहीं है फिर मत यूज करना, फिर ये यूज करना। कभी कभी काफी बुक्स ऐसे यूज करने की बजाय ये करती हैं, जो करीब नहीं है उनको स्मॉल आर पुट कर देती हैं, तो आर प्लस एच की जगह क्या पुट कर देती हैं, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय स्मॉल आर। तो अगर स्मॉल आर काफी बड़ा है तो स्मॉल आर, और अगर नहीं लेना है तो अप्रोक्सीमेटली कैपिटल आर यूज कर लेती है। क्लियर है यहां तक? आर प्लस एच की जगह वो स्मॉल आर यूज कर देती है। क्लियर है यहां तक? तो ये फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी है।